तो जैसे कि आप बोलते सकते मेरे पास एक पासपोर्ट फोटो है, तो मैं इसको कुछ स्कैन करके दिखाऊंगा ब्रदर प्रिंटर में, जो आपका DCP J140W है मॉडल। तो उसमें आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको यहाँ पर रख लेना है। चलते हैं सीधा अपने पीसी पे। सबसे पहले आप अपना Adobe Photoshop खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फाइल, जो आपको फाइल दिख रहा है यहाँ पे आपको इंपोर्ट बोल के ऑप्शन आएगा। सो आपको वहाँ पे जाना है NDW ब्रदर DCP जो आपका मॉडल है प्रिंटर का, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरफ से आपका UI दिखेगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपका जो है ये आपका रिसोल्यूशन है, यानी कि जो हम नॉर्मल करते हैं जो ओरिजिनल साइज होता है हम लोग 300 by 300 लेते हैं DPI। मतलब आपको जितना हाईएस्ट करेंगे उसका उतना DPI आपका अच्छा आएगा, मतलब फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। नॉर्मल हम लोग का 300 by 300 होता है। उससे पहले आपको क्या करना है, प्री स्कैन कर लेना है। अगर आप 300 by 300 में करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल साइज होता है फोटो का वही आपको शो करेगा आपके पीसी पे। तो फिलहाल के लिए मैं 600 by 600 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी को और अच्छा चाहिए, यानी कि अच्छा क्वालिटी। और फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा आ चुका है। जैसे कि आप लोग साइज़ देख सकते हैं, यहाँ मैंने फ्रंट इमेज मारूंगा तो यहाँ पे आपको साइज़ दिखेगा 1.5 इंच एंड बाई हाइट हो गया 1.76 इंच। और इसका रिसोल्यूशन देखिए 600, क्योंकि हम लोगों ने 600 पे इसको स्कैन किया था। सो हम उसका साइज़ बनाते हैं। क्लियर कर दीजिए पहले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका रिसोर्स है 600 को काट कर 300 करते हैं और दोबारा से इसको साइज लेते हैं। ये हमारा जो भी साइज बना, ये आपका जो फोटो का साइज है एक्चुअल साइज वो हम लोग का दिख रहा है अभी, ठीक। यानी कि उसका विड्थ हो गया आपका 1.037 इंच एंड हाइट हो गया 1.37 इंच, समझिए। और अभी आपको खुद का साइज बनाना है तो उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं करना। सो हम क्या करेंगे, ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करना है, एडिट वेडिट सब सीधा अपने एक्शन पर क्लिक करते हैं। ये एक्शन है हमारा 12 कॉपी का। क्रॉप करेंगे, ओके करेंगे, पेज सेलेक्ट करिए 4 by 6, ओके। ये हमारा बन चुका है 12 पीस। अब यहाँ से आप प्रिंट करिए, हो गया आपका। दैट्स इट।